दोस्तों, आज के लिए मैंने आपको तीन स्टॉक बताए थे, जिसमें से एक था रिलायंस, दूसरा था हेवल्स और तीसरा था टाटा स्टील, जिसमें से रिलायंस और हेवल्स ने अभी कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दिया है, इसलिए ये दो स्टॉक हमारे कल के लिए भी वॉच लिस्ट में रहेंगे जब तक ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दे। और दोस्तों, जो टाटा स्टील था, इसने एक अच्छा, बहुत ही मतलब अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था। आपको 328 के समथिंग पे बाय करने को कहा था, जो कि ये लगभग 338 रुपये के समथिंग तक गया था। लगभग 10 पॉइंट आपको क्लियरली मिले होंगे इसमें, क्योंकि ये लगभग 11 बजे के समथिंग इसने 10-11 पॉइंट आसानी से दे दिए थे। अगर मान लीजिए कि इसके बावजूद भी आपने इसमें ट्रेड नहीं लिया है, तो फ़िलहाल कंडीशन में अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकता हूँ जब तक मैं लाइव आपको ट्रेड बताना स्टार्ट नहीं कर दूँ लाइव मार्केट में। जब तक आप इन में जो स्टॉक दे रहा हूँ, इन पर नज़र बना के रखना, ताकि आपको क्या है, थोड़ा नॉलेज हो जाएगा कि कब बाय करना, कैसे सेल करना है। अब हमारे पास कल के लिए दो स्टॉक हो गए, कौन से, रिलायंस और हेवल्स, ये दोनों कल के लिए रहेंगे। और तीसरा स्टॉक रहेगा हमारे लिए कल के लिए इंडसइंड बैंक। जी दोस्तों, ये इंडसइंड बैंक है, ये कल के लिए रहेगा। इसको हमें 494 के ऊपर जब जाए तब बाई करना है, और 472 के नीचे जैसे आए तब सेल करना है। इनमें ट्रेड कैसे लेना है फिर से मैं एक बार बता देता हूँ आपको। एक बार वॉल्यूम का जो मैंने वीडियो डाला उसको देख लेना, और जो डेटा की हेल्प करके थंबनेल है, वो दो वीडियो की सीरीज है, उसको देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से ट्रेड लेना है, और पता लग जाएगा कैसे फेक ब्रेकआउट अवॉइड करना है। आज का जो ये टाटा स्टील का था, एक रियल ब्रेकआउट था, ये वापस नीचे आ गया, वो बात अलग है, क्योंकि फ्यूचर्स की मदद से ये आसानी से नीचे भी आ सकता है, लेकिन इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया था। और 10:30 बजे के समथिंग इसने टोटल, मतलब कि इसने वहाँ से रिटर्न ले लिया था, और इसमें एक अच्छा खासा आपने अगर ट्रेड लिया होगा तो आपको बहुत ही गजब का, मतलब कि इसमें प्रॉफिट बुक हुआ होगा आपके। मात्र 300 रुपये का स्टॉक है, और 300 रुपये का स्टॉक अगर 10-11 पॉइंट आपको दे रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस पे जुड़िए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के डेली स्टॉक आपके साथ शेयर करता हूँ जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक बटन और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।